देख रहे हैं NHI न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इंदौर शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश राज्य विकास केंद्र के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में आज गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय पर महारैली सभा के रूप में संपन्न हुई और भाजपा के खिलाफ ज्ञापन गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय के नीचे पंडीनाथ थाना प्रभारी श्री राकेश मोदी तहसीलदार सुदीप मीणा जी को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की 15 माह के अल्पकाल में प्रदेश की तस्वीर बदलने की नींव रखी थी। कमलनाथ जी का गुनाह क्या था जो कांग्रेस की सरकार गिरा दी, सारा घटनाक्रम जनता के समक्ष है। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जहां केंद्र की मोदी सरकार आम जनता, व्यापारी, किसानों एवं युवाओं की समस्याओं को समाधान करने में नाकाम रही, वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों को मुआवजा और नौजवानों को रोजगार देने में नाकाम रही है। किसान और युवा प्रदेश में खुदकुशी कर रहे हैं, बहन बेटी के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी। वर्ष 2018 की शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को बीच में रोक दिया गया है, इससे चयनित शिक्षक परेशान घूम रहे हैं। किसान की फसल खराब होने पर मुआवजे के अभाव में परेशान होकर खुदकुशी कर रहे हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों से दुष्कर्म के मामले मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। भाजपा इन लोगों को मत से कभी स्वीकार नहीं करेगी, उन्हें अपमान का घूंट पीकर वापस आना पड़ेगा और उपचुनाव के बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर कमलनाथ जी बनेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, अनिल यादव, सादिक खान, मुकेश यादव, इम्तियाज बेलिम, सन्नी राजपाल, आफ्ताब खान, घनश्याम जोशी, हिमांशु यादव, दिलीप कौशल, मनीष मिंडा, रवि गुरनानी, मुकेश पुरी, अमित चौरसिया, चिंटू वर्मा, सत्यनारायण सलवारिया, दीपक छावड़ा, दीपक वानखेड़े, रोहित चितले, संजय शुक्ला, सुनील सिंह अवधिया, विनोद वर्मा, रविन्द्र विश्वकर्मा, राजू पाल आदि उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन सादिक खान ने किया, कार्यक्रम का संचालन नितेश भारद्वाज ने किया, अंत में आभार सन्नी राजपाल ने माना। जनता पार्टी के दबाव में, उनके नेता के दबाव में जिला प्रशासन ये कौन सा न्याय कर रही है? एक तरफ शिवराज सिंह चौहान रोड शो कर रहा है, तीन दिन को मुख्यमंत्री दी जाती है, सावेर में दी जाती है, बैंगलोर में वहाँ काकड़ पे जब भजन काकड़ पे जाता वहाँ अनुमति जाती है। हमारा भाई, हमारा कांग्रेस का जावा सिपाही हरमत सिपाही नरेंद्र सिंह यादव का रैली निकाला है, उसको अनुमति दी जाती है, दी जानी चाहिए। क्योंकि आज नई रैली रैली के लोग इतनी मांग रहे 28 साल से 21 अक्टूबर को निकलते उस रैली की मांग, किंतु जिला प्रशासन कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। सब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं सब का काम करता है, दो दिन में हम जाएंगे वहाँ जाते हैं वहाँ ज्ञापन देने, तो वहाँ पर मतलब लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों दिख रहे हैं। हमारे सारे जो जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनके चिदम्बरम की कार्रवाई होती है, आज लोगों पर कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बदमाश सरेआम शहर में घूम रहे हैं और सागर में घूम रहे हैं। मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ जिला प्रशासन को कि देखो 10 तारीख के बाद परिणाम आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोगों से एक एक से हिसाब लिया जाएगा। यह निश्चित मानना कांग्रेस किसी को नहीं छोड़ती।